हेलो दोस्तों, कंप्यूटर वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर कंप्यूटर ट्रिक्स, मोबाइल ट्रिक्स, कंप्यूटर एरर को ठीक करने और मोबाइल के नए नए ऐप और भी बहुत सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से देता हूं, सिर्फ कंप्यूटर वर्ल्ड पर। तो आज ही सब्सक्राइब का बटन दबाए और जुड़े रहे हमारे कंप्यूटर वर्ल्ड चैनल से। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब अस एंड बी इन टच विद कंप्यूटर वर्ल्ड। अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे वाइस सिटी गेम के कैरेक्टर को बदल सकते हो और कार बाइक्स के कलर चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम वाइस सिटी गेम के फोल्डर में जाएंगे। मॉडल्स पर क्लिक करेंगे, जेनेरिक पर क्लिक करेंगे। अब यहां से प्लेयर्स को फोटोशॉप में ओपन करेंगे। आप यहां से कैरेक्टर के जीन्स के कलर, शर्ट के कलर, जूतों के डिजाइन और फेस को चेंज कर सकते हैं। मैंने यहां कुछ चीजों को पहले ही चेंज कर दी थी। चेंज करने के बाद अब हम इसे सेव कर लेंगे। अब हम सीखेंगे कि हम कैसे कार के कलर को और बाइक्स के कलर को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम वाइस सिटी के फोल्डर में जाएंगे और डाटा को ओपन करेंगे। अब यहां से काकोल्स को नोटपैड में ओपन करेंगे। यहां पर जहां एम्बुलेंस लिखा होगा वहां एक और तीन लिखा होगा। इसका मतलब ऊपर आप देख सकते हैं, एक का उपयोग व्हाइट और तीन का उपयोग कैरी रेड के लिए किया गया है। ऐसे ही आप बाकी कलर में भी कोड देख सकते हैं। अब जैसे कि आप एम्बुलेंस के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप एक और तीन के जगह पर उन दो कलर का कोड लिखे जिन दो कलर में आप एम्बुलेंस करना चाहते हैं। जैसे कि मैं एम्बुलेंस को ब्लैक करना चाहती हूँ तो मैं एक की जगह पर ब्लैक कलर का कोड लिखूंगी जो 0 है। फिर हम इसे सेव कर देंगे। वाइस सिटी गेम को ओपन करेंगे। इसके बाद हम यहां देख सकते हैं कि कैरेक्टर का कलर चेंज हो चुका है और एम्बुलेंस भी ब्लैक दिख रहा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।